इडली सांभर और चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रवे के बैटर को मैंने इडली स्टैंड में डालकर उसे स्टीम किया। एक एक कर मैंने उसे डालकर स्टीम किया। स्टीम होने पर ये तैयार हो गया, इडली तैयार हो गया। उसके बाद मैंने दाल को चढ़ाया, दाल को कुकर में डालकर दो सीटी लगाई। उसके बाद सारी सब्जी मिलाकर मैंने उसे पकाया, सांभर के मसाले डालकर। उसके बाद लास्ट में इडली इमली की पानी डाली। और इधर चटनी बनाने के लिए नारियल और पीसा, उसके बाद उसे बघार लगा दिया मैंने सरसों राइस और करी पत्ते और मिर्चे से, लाल मिर्चे से मैंने बघार लिया। ये चटनी तैयार हो गई। ये देखिए इडली सांभर और चटनी का मैंने आज स्वाद लिया। आप भी इसे लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।